तेरी गांड फाड़ दी साले, घर दिमाग खराब करके रख दिया तूने मेरे साले, ना तेरे मुंह में मुतू में आज रात। ओ महाराज, महाराज खड़े हो, पार्क बंद हो गया भाई। क्यों पार्क बंद हो गया? क्यों बताओ ना भाई। भाभी जी चलो पार्क बंद। नहीं बात क्या हुई बताओ ना तुम मुझे। क्या पार्क बंद होगी ना और क्या बात होगी? क्यों क्यों पार्क बंद होगी? ये सारे लोग तो बैठे हैं। सारे लोग बैठे हैं जिनको भाभी जी आपको बैठना, बैठ जाओ आप, जाओ भाई साहब। भाई साहब महाराज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रे हाथ जोड़ के प्रे कर रहा हूँ, आपसे पैर पकड़ लूंगा आपके। क्या हो गया भैया आपके? आप दोनों के पैर पकड़ रहा हूँ, इनको लेके आप चले जाओ यहाँ से। मेरी ये सबको बैठ, नहीं आप इन भाई साहब के लिए बंद हो गया, आपको बैठना तो बैठ। आप मेरी साइड में देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे। तो भाई साहब देखो तो कहा मैं, आप चले जाओ। क्या है कुछ पता चले? क्यों देख रहे हैं ये बंदा डेली क्या आके चौड़म पट्टी करता है किसी, कभी किसी लड़के के साथ कभी किसी लड़के के साथ, मेरे को नहीं पसंद भाई साहब। तुम्हारा दिमाग तो मैं कितना देखूंगा? सिक्योरिटी में मैडम इस पार्क में, और हमारा यही काम है कि किसको क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ये देखना। तुम्हारे साथ जरूर पहली बार आए होगा, इतनी लौंडियों के साथ देखा मैंने इस बंदे को, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दिखाऊं आपको। तो आप रिक्वेस्ट करो प्लीज, आप ठीक है भाई साहब बोल रहे हो, घर जाके कुछ कुछ भी बोल रहे हो भाई। मेरी नौकरी, मेरी नौकरी के लिए छोड़ दो, मेरी नौकरी पागल हो गया तुम। चलो चलो मेरी, तुम फालतू की लड़ाई करा रहे हो भाई, मेरी नौकरी छोड़ दो आप। क्या क्या बेवकूफ बना रहे हैं? चलो मैडम मैं लड़कियों को लेके आता हूँ, नहीं नहीं डेली यहाँ पे। तो ये क्यों बेवकूफ बनाएगा आपको? क्यों बनाएगा भाई साहब? हफ्ते में क्यों लड़वा रहे हो? महीने में साल में प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास सुनो, साल में एक आधी बार चल जाता है, हम भी सिक्योरिटी वाले समझते हैं, भी आते हो कपल कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो आपका ये डेली डेली का हफ्ते में दो तीन बार चलता है लड़कियों का, ये नहीं। और जो रिपीट कर करके आते हैं मैडम जी, मैं बताऊँ सारे सिक्योरिटी वाले विश्वास नहीं है मेरी बात। सुनो ये बंदा कुछ भी बोलेगा तो गेट पे मैं था नहीं, अगर कैसे बोल देगा कुछ भी? ये बताओ कहाँ से आयो? मेन गेट से तो आए नहीं हो आप, कौन से गेट से लेके आपको? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो पहली बार आई हूँ। तो गेट से कोई गेट से तो आई होगी, पीछे वाले से आई है क्या? हाँ, पीछे वाले से तो उधर से आता, क्योंकि मैन गेट से मैंने लास्ट टाइम भी रोक दिया किसी लड़की के साथ, मैंने घुसने नहीं दिया था इसको पार्क में। भाई साहब गलती कर दिया वहीं पे, मेरा घर है। किस पे भाई साहब आप क्यों? वो गेट ऑफिशियल नहीं है, दीवार तोड़ रखे लोगों ने, गेट नहीं है वो भाई साहब, घर नहीं हो, गेट नहीं हो महाराज। मेरे को पता ही नहीं था, तो मैं तो वहीं से आऊंगा ना। मैन गेट वो है, ऐसा करोगे? विश्वास नहीं हो रहा? तुम पागल हो गए? तुम इस बंदे की बात पे विश्वास कर रही हो? मैंने बता दिया आपको, लगता है मैं ऐसा हूँ? मुझे अब लग रहा है, अब लग रहा है तुम इसकी बात पे विश्वास कर रही हो? बताओ क्यों झूठ बोलेंगे? मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूं भाई साहब, ऐसे चले जाओगे? एक आधा दिन चल जाता है मैं भाई साहब रोज रोज, दिमाग खराब करके रख दिया तूने मेरे साले। अरे मैंने ऐसा नहीं किया है ना, तू ये झूठ बोल रहा है बिल्कुल। क्या भेजा था मेरे माँ बाप ने, क्या कर दिया तूने? भाई साहब पैर पकड़ रहा हूँ, आपकी जूती सिर पे लगा रहा हूँ मैं, ऐसा मेरी नौकरी छोड़ दो, मेरी मेरे को जीने नहीं देंगे, नौकरी नहीं है ऐसे, मेरे को 11,000 रुपए देते हैं बाबा जी, तुमको पता है इस पार्क में सिक्योरिटी में कब देखा? अरे रोज देखा, देखा कब? तू घर बेंचो, कब देखा बता रहा है बाबे? मेरी बात कर दी तूने मेरी, मेरी बात सुनो, क्या की बात पे बिलीव हो रहा है? 11,000 रुपए मिलते हैं मेरे को, और बोले अगर ये दिख गया ना पार्क में तेरी नौकरी खा जाएंगे हम लोग, सिक्योरिटी वाले ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को नौकरी नहीं करने दे। बिल्कुल झूठ बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोलता है। हम उसका पुजारी, मेरे से पेट नहीं भरता तेरा, बिल्कुल झूठ बोला। क्यों भाई साहब क्यों लड़ाई करवा रहा है? मैं कौन रहा हूं लड़ाई करूं आपको? सब मेरी नौकरी छोड़ दो महाराज, मेरे संग लगा रहता है यहां पे, लड़कियों को लाके पड़ा रहता है, शर्म नहीं है तुझे? कमाता लगाता है, पागल है, पागल की बात पे तुम विश्वास कर रही हो? अभी फोन करती हूं अपने भाई को और मैं अपने भाई के जाती हूं, चल तेरे से शादी करके मेरी जिंदगी नष्ट हो गई महाराज, मेरी नौकरी तुम मुझे, तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो? घर चल, तेरी गांड फाड़ दी साले, घर चल, ना तेरे मुंह में मुतू में आज रात। पागल है क्या भाई साहब? माफ कर दो, मन माफ कर दो महाराज, कुछ भी बोल रहा है, ये मेरी वाइफ है, आपकी जूती मेरे सिर पे महाराज, मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो भाई साहब, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे बच्चे कैसे पैदा होंगे, कैसे पढ़ेंगे भाई साहब, यूं बताओ मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इतना क्या हबस भरा है तेरे उसमें जो यहाँ पे लगा? कभी कभार, कभी कभार का चलता है भाई साहब, रोज का नहीं चलता है। आप रोज किसी लड़की को लेके पार्क में पड़े रहोगे, अच्छी बात नहीं है ना भाई साहब, माफ करो। मैं पेट पे, मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो भाई साहब? मैं सीसीटीवी कैमरा देखती हूँ, अब भी देखूंगी भाई साहब। मैं मैडम एचडी में, उसमें कुछ नहीं है, एचडी में, एचडी में रिकॉर्ड कर रखा है हमने, एचडी में रिकॉर्ड कर रखा है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्लैरिटी में, क्लैरिटी में। कोई नहीं आगे बोलता यहाँ पे, ठीक है? अपनी बहनिया के साथ आता है साले यहाँ पे, मेरी जिंदगी को झंड कर दी है साले ने। तुम इसकी बात पे बिलीव कर रही हो? क्यों नहीं करूं मैं इसकी बात पे विश्वास? तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। आज तक विश्वास ही किया मैंने? 6 महीने से नखरे दिखा रहा, ना कमाता है ना दमाता है, पैसे मेरे घर से मंगा अपनी बहनिया को लाके ऐसे कैसे कर रहा है यहां पे? ये पागल इंसान है, तुम क्यों नहीं बिलीव कर रही हो मुझ पे? महाराज मेरी नौकरी छोड़ दो, मेरी नौकरी छोड़ दो। ऐसा इंसान है तो अपनी बहन मां को भी नहीं छोड़ता होगा? मेरी नौकरी छोड़ दो महाराज, मेरी नौकरी। किसी के पेट में लात मरवा रहा है,
ये तो तेरी वाइफ होगी मेरे को भाई, सजी में वाइफ हो गया इसकी। मेरे को तो कल वाली भी कह रही थी कि मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं जब इसको निकाल रहा था कल वाली कह रही थी। तू मेरी बात को नहीं समझ रही, तू मेरी बात को तो समझ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये क्यों झूठ बोलेगा, मुझे इसमें विश्वास है। मैं झूठ बोलेगा ये, मैं मर जाऊं भाई साहब, मैं मर जाऊं, अब मेरी तो माननी नहीं रही। इसकी नौकरी खा के बैठ जाएगा, तुझे तो कोई काम धंधा है नहीं। मैं तुम्हें क्या था अपनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें बिलीव क्यों नहीं, विश्वास क्यों नहीं हो रहा तुम्हें। मैं क्या था, मेरी पूरी जिंदगी झंड कर दी, क्या भेजा था मेरे मां-बाप ने, क्या कर दिया तूने। भाभी जी मैं क्या कमी, मेरे को ये बता तू, तेरे को इतनी हवस मची हुई है, इनमें क्या कमी है, क्या कमी है मुझमें, क्या कमी है। मेरी वाइफ है, उसके मैंने शादी की है, समझ गया, क्या कमी है बताओ, शादी करी है तो फिर तू और किसी को, कोई कमी नहीं है, इतनी अच्छी है मेरी बहू ना तू। आज देख लो अभी मुंह पे बोल रहा है अच्छी अच्छी है, मैं तुझे ऐसा चप्पल उतार के मारूंगी। तुम इसकी बात पे विश्वास कर रही हो, झूठा है, झूठा है, झूठा, एक नंबर का झूठा है ये। कैसे झूठा है, मैं सीसीटीवी कैमरा देखूंगी। हाँ मैं दिखाऊंगा आपको, इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। एचडी में दिखाऊंगा, प्रूफ हुआ तो, एचडी में दिखाऊंगा प्रूफ हुआ तो। अरे ये झूठ बोल रहा है, झूठ, बिल्कुल झूठा है ये, बिल्कुल झूठा है। मैं मेरे को हाथ में लगा, मैं बस सिक्योरिटी वाले को बुला लूंगा, इधर पुलिस वाले को बुला लूंगा। यार मैंने नहीं किया कुछ भी, तुम मान क्यों नहीं रही हो। रोज यहाँ पे नई नई रंडिया लेके आता है तू, हर 9 महीने बाद मेरे से बच्चा पैदा करता है, मेरी जिंदगी खराब करके रख दी, मेरा शरीर खराब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम खाम का इसकी बात पे विश्वास कर रही हो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोलेगा ये, झूठ बोल रहा है। मैं तेरे लात मारूंगा पिछड़ा पे, अगर ज्यादा वो करे समझा। आया अपनी बीवी को धोखा दे रहा, शर्म आ रही तेरे को, तू घर चल आज, तेरे रात को तेरे मुंह में मूतती हूँ साले। मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, चल कोई बात नहीं है, मुझे नहीं विश्वास। तू बस इसकी बात पे विश्वास कर रही है। बहन चो तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। बेइज्जती तो इज्जत लायक है, इज्जत लायक है। तुझे लगता है मैं ऐसा हूँ? हाँ है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं बोलेगा। ये ले जाओ भाभी जी, मारो उसका, अगर की मैं गनगन है तो मारो उसका, काट के सड़क है, जिंदगी झंड कर दूंगी। तू चल, मैंने नहीं किया ये, झूठ बोल रहा है साला। हां बोल रहा हूं झूठ, मैं और कुछ काम ही नहीं है ना मेरे को, झंड कर दूंगी। आज अपने भाई को बुलाती हूं, आज के बाद बता दूंगी मेरी जिंदगी झंड करके रख दी इसने साले ने मेरी, आपसे बिगड़वाने के लिए ना देवे, मारो उसका पुजारी है तो, अब उसका पुजारी मुझे आज पता चला है, नई नई लड़कियों को लेके आता है यहां पे। बताओ मुझे, तू मेरी बहू है, तू, मैं तेरी बहू हूं नहीं हूं साले हरामखोर, मुझे माफ कर दो यार। मैं क्यों माफ करूं, मैं नहीं हूंगा इसको भाई साहब, भाई साहब माफ कर दो यार, मेरे मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ कर रहा हूं। अपने सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लेना क्यों मेरे घर, भाई साहब मैं तो रोज चेक करता हूं, मैं तो रोज आप ये क्यों आग लगवाएंगे, यही आग लगवा रहा भाई साहब, मैं आपके पैर छूता हूं भाई साहब, मैं छूता हूं, मैं आपके नहीं, मेरे पैर में छू, चल चल तू, मैंने कोई भी गलती नहीं करी है, आज ही फैसला कराऊंगी, मैंने कोई भी गलती नहीं करी है, मेरी बात का विश्वास तो करो, ये आदमी झूठ बोल रहा होगा, आप इनकी ये क्यों झूठ बोलेगा, आप पीछे से आपको पीछे से गेट के लेके से लेके आया ना, ये बताओ पीछे से गेट, अब देख लो पीछे के गेट, अपनी बीवी को कौन पीछे के गेट से लेके आएगा, आप देख लो, आ रहा था वहाँ से आइसक्रीम खाता हुआ तू, और देख लो आइसक्रीम नहीं मिलती, तुम्हें मेरी बात का नहीं विश्वास हो रहा, मैं आपके पैर छू रहा हूँ, मुझे नहीं है, मुझे तेरी बात का विश्वास, मुझे नहीं पता था यार, भाई मेरे को भी नहीं है, मुझे चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे माफ कर दो यार, मुझे आपकी माफ कर दो, मुझे आपकी माफ कर दो, मैं भी माफ कर दो, हवस की पुजारी, जिंदगी तो मेरी बात नहीं, बता इस फूल जैसी लड़की में, इस फूल जैसी भाभी में क्या कमी थी यार, तू क्यों करता, क्या मिल जाएगा तेरे को, नहीं ना माल नहीं मिलता ना इसे, नहीं नहीं क्या, और तू मेरे को ये तो बता पता कैसे है, बहनचोद हम सिक्योरिटी में होकर नहीं पटा पाते, तू कैसे पटा लेते हर रोज की, नहीं यार किसके बात में विश्वास पूछा क्या, ये चीज पूछने के होते हैं, अभी पूछो पूछो इससे कितनी गर्लफ्रेंड है, शांति से पूछो एक बार, बता तेरे को एक भी नहीं है, तुम इसकी सीसीटीवी जाके चेक कर लो ना जाके, हां चेक करूंगी ना, मैं तो जा रहा हूं भाई साहब, तुम अपना झगड़ा करके निकल जाना पिछले के गेट से, यार मुझे माफ करो मैंने नहीं किया, आप इनकी सीसीटीवी चेक कर लेना, मेरे पास सुनो, अपनी बहनियों को लेके बैठा रहता है, मेरे पास सुनो उधर, हर मेरे पास अभी जाओ ना, मैं पीछे के उस मेन गेट से मंत जा रहा, क्यों इधर से जिससे आए हो ना वैसे चले जाना, क्योंकि वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी वाले सर बैठे हैं, आपको देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मैं उनके पास जाता हूँ, मैं भाई साहब आपको ना, पता नहीं भाई चुराया हो सकता है, चुराया हो चुराया होगा तूने फोन,
कुछ काम धंधा तो करता नहीं है। तुम सारी बातों पे मेरे माँ बाप ने ब्याह दिया मुझे। भाई साहब कुछ काम नहीं करता क्या? कुछ नहीं करता ये। भाई तभी आप टाइम दे पाते हो यहाँ पे पार्क में। माफ कर दो आप भी भाई साहब, मुझे माफ कर, मैंने को माफ कर दो। आप इनको बिलीव दिलाओ कि मैं नहीं था। यही था भाभी जी, यही था, बिल्कुल यही था। तुम किसकी बात पे विश्वास? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ। देखो हंस रहा है, देखो हंस रहा है वो। मैं नहीं हंस रहा, मैं नहीं हंस रहा, ये मेरे को हंसा रहा धक्के से। ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल हंस रहा है। अब मैं किसकी बातों पे विश्वास करूं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो सुनो, ये हंस रहा है खाम खाम, ये इसने मेरे को फालतू में पिटवा दिया। आप क्यों हंस रहे हो भाई साहब? अरे सुनो मैडम जी सुनो, बिल्कुल एक नंबर का झूठा है। मैंने आपको बताया था ना, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तुमने मेरे ऊपर। यहाँ पे बाबू जी माफ कर दो, मतलब भाई साहब मतलब क्या हो गया? अरे सुनो बताता हूँ, एक्चुअली क्या आएगी, आप लोग कई देर से पार्क में थे ना, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया इसके पीछे बेवकूफ। अरे भाई सुन तो ले यार, मैं सही करवा रहा हूँ यार, ऊपर से मैं नहीं कर पाता भाई साहब, सही में नहीं। आप बोलो ना, अब बोल तो रहा हूँ, तो करवाने नहीं दे रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, माफ करो कि मतलब हमने प्रैंक शूट कर रहे थे और जस्ट रिएक्शन चेक कर रहे थे, वो देखो वहाँ पे तो कैमरा लगा हमारा इसके भाई के पीछे, दिख रहा है वो भाई साहब। ये तो गलत बात है ना, गलत बात है ना ये। माफ करो, गलत बात है। आप मेरी घर गृहस्थी में आग लगा रहे हो ना। नहीं भाई साहब, आप मेरे पेट पे लात मार रहे हो यार, आप डेली आके करते हो, अच्छी बात है, माफ करना। काहे का पेट पे लात? तो भाई साहब हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मेरा घर बर्बाद हो जाता, बताओ। आप इतना प्यार करते हो भाई साहब, इतना विश्वास करते हो? इतना अच्छा पति मेरा। ओ भाई साहब आज मेरे को पेल दिया इन्होंने, चल मैं बताऊंगा तेरे को रात को। तूने मेरे गाल पे मारा है ना भाई साहब, बहुत बुरा काम किया आपने, सही बता रही हूं मैं। इस आदमी के बातों में तुम आ गई भाई साहब, माफ करना यार, मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं नहीं था। सीसीटीवी इस बात को कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कर दिया आपने हमारे साथ। तो कह रहा हूँ ना माफ कर दो, हम लोग जस्ट एक वीडियो के चक्कर में आ गए थे, तो हमने वीडियो। आप अपनी वीडियो के लिए भाई साहब किसी को पिटवा सकते हैं क्या? अरे मेरे को थोड़ी पता था भाभी जी ऐसे अग्रेसिव हो जाएंगे यार, मुझे थोड़ी पता था। मैं पिट रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, ऐसा कोई होता है यार? मेरे को मार लो यार, मेरे को मार लो भाई, मैं आपको मारूंगा यार, सॉरी मार लो यार, मैं तो देखो पैरों में था आपके, मार लेते भाई यार, सॉरी। मतलब मैं पिट रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, ये कौन सी बात है यार? तो मैं बाद में हंसा हूँ भाई, शुरू में थोड़ी हंस रहा, बहुत मुश्किल से हंसी कंट्रोल की। अच्छा मेरे को बिना हंसे ही चले जाते तो फिर तो हमारी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करवाते, मेरी तो घर गृहस्थी में आग लग जाती है भाई साहब। छोड़ो भाई साहब, आप अपनी पिक्चर के लिए हमारी जिंदगी खराब कर रहे हो। जो हो गया सो हो गया, माफ करो, देखो कैमरा लगा उधर, आया कर दो आप। ये भाई साहब के साथ में सही में कोई नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था सही। सो फाइनली गाइज कैसी लगी वीडियो, आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, मज़े भी आए होंगे देख के। और भाई वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, जो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दबाया जा रहा है, फटाफट दबा दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी मस्ती के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।